नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इंग्लिश क्लास. ओके, वी विल लर्न ग्रामर. आवर चैप्टर इज 12 इन ग्रामर बुक. सी ओ एंड जे यू एंड सी टी आई ओ एंड एस कंजंक्शंस. कंजंक्शंस, व्हाट इज कंजंक्शन? क्या होता है कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है और ये कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं वो आज हम लर्न करेंगे. ठीक है, वी नीड टू यूज कंजंक्शन टू जॉइन द सिमिलर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. जो वर्ड्स होते हैं उनको जॉइन करते हैं और जो वर्ड्स हम जॉइन करते हैं उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं. दो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी हम जॉइन करते हैं और बीच में जो जॉइन करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कंजंक्शन होता है. अब वो कंजंक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देखिए. कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, देखिए पहला सबसे मिलर का होता है एंड. एंड यूज करते हैं हम सिमिलर वर्ड्स को यूज करने या दो सेंटेंस को यूज करने. ठीक है, दूसरा है और मतलब या. ओ आर और मतलब या. ठीक है, नेक्स्ट है बट. बट बट मीन्स लेकिन. बट मीन्स लेकिन, किंतु है परंतु जो बोलते हैं वो. ठीक है, एंड मतलब और, मतलब और जैसे राम और श्याम वाला और मतलब या होता है ये वाला है. और बट मीन्स लेकिन किंतु परंतु. ओके, यस, देयर आर फोर कंजंक्शंस आपके बुक में दिए हुए हैं. बिकॉज भी है, पहले मैंने नहीं लिखा था. ठीक है, एंड और बट बिकॉज. बिकॉज मीन्स क्योंकि. बिकॉज मीन्स क्योंकि. बट मीन्स लेकिन. और मीन्स या और एंड मीन्स और. ठीक है, अब ये कैसे यूज होंगे? एंड कब यूज होता है? जब हम दो सिमिलर वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो हम एंड यूज करते हैं. जैसे अ मैन अ वुमेन, आदमी और औरत, आर वॉकिंग. अ मैन एंड क्या आएगा? एंड. तो क्या लिखेंगे हम? एंड अ वुमेन आर वॉकिंग. लेडी है ना, मेन और वुमेन क्या कर रहे थे? वॉकिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या करा? एंड यूज करा. अब नेक्स्ट, यू कैन यूज अ ब्लू पेन डैश ब्लैक पेन. जब हम और यूज करते हैं तो वो चॉइस होता है, चॉइस पर डिपेंड करता है. जब हमको चॉइस करना पड़ता है कि हमको ये या ये लेना है तो हम कौन सा वर्ड कंजंक्शन यूज करेंगे? और. ठीक है, हम क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? यू कैन यूज अ ब्लू पेन और अ ब्लैक पेन. तुम या तो ब्लू पेन यूज कर सकते हो या ब्लैक पेन यूज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि हमको चॉइस करना है. ठीक है, तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? और. नेक्स्ट कंजंक्शन क्या है? बट. बट मतलब लेकिन. जब हमको कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को तो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? रोहन इज अ टॉल बॉय, जूही इज अ शॉर्ट गर्ल. रोहन एक लंबा लड़का है लेकिन जूही छोटी है. तो क्या लिखेंगे? बट. बी यू टी बट. ऐसा है क्योंकि हम यहां क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. अब बिकॉज मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि, कारण, किसी चीज का कारण. तो ये कंजंक्शन वर्ड हो जाएगा. कैसे, कौन सा हुआ? आई एम एट होम, इट इज रेनिंग आउटसाइड. मैं घर पर हूं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. तो क्योंकि किसी चीज का कारण है तो क्या आ जाएगा? बिकॉज. क्या आएगा? बिकॉज. बी ई सी ए यू एस ई बिकॉज. आया समझ में? ये कंजंक्शन वर्ड दिख रहे हैं आपको, आपके बुक में भी दिए हुए हैं. एंड और बट बिकॉज. ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कंडीशन, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन से. जरूर में आप यहाँ पे और नहीं आएगा क्या? सिमिलर हो. यहाँ पे क्या है यूज कर हमने? और मतलब हमको चॉइस करना है तो हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया? और. अब यहाँ कारण है, सेंटेंस में किसी चीज का होने का कारण है तो कौन सा कंजंक्शन यूज किया हमने? बिकॉज. और यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं तो बट वाला कंजंक्शन यूज करेंगे. ओके, तो ये कंजंक्शन वर्ड्स
और जिस जिससे आप बड़ी क्लास में जाओगे इसके और डिटेल्स में आता है आता रहेगा। ठीक है, अभी आपको क्लास 3 में इतना ही है। तो ये हमारे क्या है, आज कंजक्शन वर्ड्स। ठीक है, आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार और वीडियो देखिए और अच्छे से वीडियो को देखकर समझिए और फिर जो भी पीडीएफ भेजूंगी उसको कॉपी में सुंदर आइडिया मिलेगा। ओके, चलिए बाय बाय।